नागपुर शहर में बढ़ती जनसंख्या के चलते शहरवासियों के साथ साथ स्कूली छात्रों को भी काफी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिसके मद्देनजर नागपुर शहर पुलिस आयुक्तालय के तत्वावधान से आमची शाला आमची सुरक्षा अभियान के तहत विभिन्न स्कूलों से आए 1200 से अधिक प्रतिनिधि से समस्या निवारक चर्चा की गई। इस चर्चा सत्र में विशेष रूप से नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंगल, मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी, जिला परिषद के सीईओ सौम्य शर्मा, सह पुलिस आयुक्त अश्वती दोराजे, सभी वरिष्ठ अधिकारी आदि विशेष रूप से मौजूद थे, जहां विभिन्न जिला परिषद एवं शहर के निजी स्कूलों से आए प्रिंसिपल, स्कूलों के प्रतिनिधि और पालकगणों ने अपनी समस्या गणमान्यों के समक्ष रखी। कई बार देखा गया है कि स्कूल परिसर के समीप अवैध कार्य चलते हैं, जिसका काफी मात्रा में भुगतान छात्रों को करना पड़ता है, जिसके चलते नागपुर शहर पुलिस द्वारा यह अभिनव उपक्रम चलाया जा रहा है, जहां मनपा समेत जिला परिषद भी पुलिस को सहयोग करेगी। इस समय प्रतिनिधियों ने उन्हें होने वाली समस्या बताई, इसके निवारण का अनुरोध संबंधित अधिकारी और पुलिस गणों से किया। देखा गया है कि कई बार स्कूली परिसर में अराजक तत्व अपने अवैध मसूबों के साथ घूमते नजर आते हैं। आज शहर में बढ़ते अराजकता में कई न कई स्कूली छात्रों से होने वाले अत्याचारों की भी गणना सर्वाधिक है। बात की जाए नाबालिग से हुए ऑटो में अश्लील हरकत की अथवा अन्य कई मुद्दों की, जो शायद सामने भी नहीं आते। इस समय अपनी समस्या रखते हुए स्कूलों से आए प्रतिनिधियों ने अपनी बात रखी। ये मैं जानना चाहती हूँ, अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो काफी सारे ग्रुप्स में रोल हुआ था, एक छोटी बच्ची स्कूल की, वो चाहे शायद हाउस यूनिफॉर्म पहने हुई थी और प्राइवेट ऑटो में वो जा रही थी। वो बच्ची होगी शायद फोर्थ या फिफ्थ स्टैंडर्ड की होगी या सिक्स्थ की होगी, क्योंकि वो काफी दूर से लिया गया था वो वीडियो, तो वो इतना स्पष्ट नहीं था। और जिस किसी ने भी वो वीडियो लिया हो, वो चाहे अपने घर की खिड़की में से लिया हो या जहाँ कहीं से भी लिया हो, सबसे पहला सवाल मेरा ये उठता है कि वीडियो करते बैठा वो इंसान, बट उसने जाकर उस बच्ची की मदद नहीं की। उस वीडियो में देखा गया कि वो ड्राइवर वो बच्ची को किस करना चाह रहा था और वो बार बार उसको बोल रहा था, और फिर वो बच्ची उसको कुछ बोल रही थी क्योंकि वो वीडियो दूर से था तो कोई शब्द थे नहीं उसमें, बट थोड़ा सा 2-3 मिनट बाद वो लड़की अलाउ करती है, मे बी वो शायद बोल रही थी कि मुझे लेकर चलो भैया या क्या बोल रही थी, और वो जबरदस्ती कर रहा था और बाद में वो सक्सेसफुल हो जाता है। और वो वीडियो शेयर करके जिसने शेयर किया होगा, जिस भी इंसान ने लिया होगा, उसमें डाला कि ये जिस भी स्कूल की ये बच्ची है, कृपया इसको इतना शेयर करें कि इस आदमी को पनिशमेंट हो। तो मेरा सवाल ये है, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते सबसे पहले अगर कुछ भी हम देखते हैं, वो चाहे सड़क पर हो या कहीं भी हो, हम इतने जागरूक क्यों नहीं है कि वीडियो बनाने के बदले में वो जाकर उस बच्ची की हेल्प कर सकता था, पर वो हुई नहीं। और बाद में पता नहीं वो बच्चे ने अपने घर में शेयर किया नहीं किया, अपने पेरेंट्स को नहीं जानते, डर के मारे, बहुत से बच्चे नहीं बोलते हैं, तो वो क्या स्थिति में से गुजरी होगी बच्ची, वो एक सवाल है। पेरेंट्स, उन्होंने जाना नहीं जाना, वो अनअवेयर है, ये बात अलग है, पर ये वीडियो जब इतना वायरल हुआ सर, तो क्या इसके ऊपर ये पुलिस डिपार्टमेंट तक भी शायद आया होगा, तो इस पर क्या एक्शन ली गई, या हम अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हम फाइंड आउट करते हैं, क्या हम कोई एक्शन लेते हैं? वो छोटी सी बच्ची सर, उसका जो साइकोलॉजी इफेक्ट हुआ होगा वो एक अलग बात है। तो मेरा ये सवाल मैं यही छोड़ती हूँ, और कुछ तो हमें करना होगा सर अवेयरनेस के लिए, और स्ट्रिक्ट एक्शन हमें लेने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच सर। माननीय पोलीस डिपार्टमेंट मध्ये माझे सर्व मित्र आहेत, त्याबद्दल या खात्याबद्दल मला जवळची जवळी वाटते। पोलीस दीदी आणि पोलीस काका ही जी आपण सुरुवात केली, त्याचबरोबर त्यामध्ये जर प्रत्येक शाळेमध्ये एक पोलीस मित्र जर असेल, कारण की छोट्या छोट्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या पोलिसांपर्यंत पोहोचतच नाही, जर पोलीस मित्र राहिला तर त्या शाळेतल्या किंवा त्याची एक शाळेतली टीम त्या गोष्टी पोलिसांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करेल, आणि त्यावर त्वरित ऍक्शन घेण्यासाठी एखादी
वागणूक पोलिसांची वेगळी असावी असं मला वाटतंय. कारण प्रत्येक शाळा ज्या मोठ्या शाळा त्या बाजूला मी बघितलं की कित्येक मुलं गांजा ड्रग्स स्मोकिंग हे प्रकार चालतात परंतु याकडे कुणाचं लक्ष नाही. एकदा माझ्या जीवनामध्ये मी माझ्या मुलीला घेऊन जाताना एका चांगल्या शाळेच्या बाजूला हे प्रकार सुरू होते. मी स्वतः अडकला परंतु कुठेतरी एक सामाजिक भाव माझ्यासोबत मुलगी आहे म्हणून मलाही सुद्धा तिथून जावं लागलं. पण यापुढे जर पोलीस मित्र किंवा सर्वांनी यामध्ये भावना घेतल्या तर मला वाटतं निश्चितच गैरकारभार बंद होतील. धन्यवाद. धन्यवाद गिरीश सर. मला वाटतं त्याची ती स्वच्छता आहे. पण माझं म्हणणं कसं आहे की आपण ज्याच्यासाठी आपण तिथे उभं आहोत ना त्याला एक फोटो काढून निश्चित मला जाऊ द्या. पण प्रामाणिक माणूस उभा असेल त्याला एवढं सांगा की तुम्ही क्लिप घाला, ऐकणार नाही, हेल्मेट नाही, पनिशमेंट करा. तर ती जी भीती आहे ती भीती अजून प्रभावीशाली तुम्हाला कशा प्रकारे तुम्हाला इम्प्लिमेंट करता येईल एवढी सूचना आहे. कारण तुम्ही सगळे कार्यक्षम अधिकारी आहे आणि जे रस्ता सुरक्षा विभाग आहे सर यामध्ये काय होऊन आलं की प्रायव्हेट काही रस्ता सुरक्षा विभाग आता नागपूरमध्ये त्यांनी काम करून राहिलेले आहे. त्याला शासनाची कुठली मान्यता नाही. आणि तुम्हाला सांगतो मी त्या टीम मध्ये मी काम करत होतो. आता एखाद्या कर्मचाऱ्याचं नाव घेणं हे उचित नाही पण तुम्ही सर माहिती घ्या पर्सनली. रस्ता सुरक्षा विभागामध्ये एक अतुल नावाचा होता, एक राजू देवटे नावाचे होते. हे डीओटी लोक होते सर, म्हणजे तुमचं अतुल नावाचे कर्मचारी होते. ते तर आयएएस आयपीएस वगैरे त्या पोलीस प्रशासनामध्ये ट्रेनिंग द्यायचे, शाळेला शिक्षक ट्रेनिंग मुख्याध्यापकाला ट्रेनिंग द्यायचे. इतकी चांगली टीम होती तुमच्याकडे. आणि नागपूर शहरामध्ये असलेले अनुदानित विनाअनुदानित सगळ्या शाळेमध्ये ट्रॉफिकचे क्लासेस व्हायचे त्यांच्या इथे, म्हणजे ते घ्यायचे शाळेमध्ये येऊन द्यायचे. आणि आरएसपी जिवंत होती सर, आरएसपी डे हा साजरा होत होता त्या निमित्ताने प्रत्येक शाळेचे इव्हेंट आपण हे करत होतो. पण कसं आहे तो त्या रस्ता सुरक्षेला आपण एक साईड ट्रॅक करून ठेवल्यामुळे काय झालं की आता कुठलंच काही राहिलेलं नाही. तर एकच माझी विनंती आहे की रस्ता सुरक्षा विभाग पुनर्जीवित करा. बाकीच्या ठिकाणी सब अँटी सोशल हाफे पडे रहते सर, रात के टाइम भी और अर्ली मॉर्निंग. ड्रेस अटायर के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं बोलना. मैंने तो लिखित रूप में राणा प्रताप पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की. पर क्या होता है सर, गाड़ी आती है चक्कर मारती है. वेरी सॉरी टू से ही इज वेरी एक्सपर्ट, सबको एक एक प्लेट पोहा करने खिला देता है. कंप्लेन मेरी बिल्कुल डेफियंस में, मैं हेड ऑन उसके साथ बहुत बार आर्ग्यू कर चुकी हूँ. भैया तुम गार्ड रखो. टीजिंग के जो प्रकार है लड़कियों का कॉलेज सर, 3/4 मेजोरिटी मेरे यहाँ कोएड होने के बावजूद गर्ल स्टूडेंट्स है. और क्या प्रिकॉशन लू, फ्रंट गेट बंद कर दिया, गर्ल स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट की बैक गेट से आओ, अपन ये रास्ता ही अवॉइड करते. आंखें बंद करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या सर? बहुत सीरियस सिचुएशन हो गई है. मेट्रो का जंक्शन है, वहां पे दूसरे कॉलेजेस के बच्चे उतरते हैं दूसरी मेट्रो लेने के लिए. गुंडागर्दी की वीडियोज है मेरे पास. हमारे बच्चों को बाहर ले जाके पीटा गया है, मेट्रो के स्टाफ ने आके बचाया है विदाउट एनी फॉल्ट. उसका भी वीडियो है मेरे पास. कैमरे अच्छे एचडी डेफिनेशन के लगाए हुए हैं. पुलिस को जब भी मदद लगती है, चारों रोड का कवरेज बहुत अच्छा है. एवरी गेट हैज कैमरा इंस्टॉल्ड, एवरीथिंग हैज कैन बी मॉनिटर्ड. चोर उचक के पोहे खा के कॉलेज में आके मोबाइल किस तरीके से चोरी करके लेके गए, बच्चे एग्जाम दे रहे थे, आराम से फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा और वो पोहे की दुकान से आया, जंप किया उसने, ऐसा बताया कि मैं एग्जाम दे रहा. वो पूरा वीडियो मैंने सीआईडी को भी दिया हुआ है. इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर वो बंद हो गया तो ई टीजिंग का बहुत हिस्से में प्रकार वो जो लड़की के साथ हुआ सर अभी जो मैंने क्लिप में देखा, बिल्कुल उसी तरीके से गर्ल्स आर शाय, दे डोंट दे अवॉइड दैट बस स्टॉप टोटली. ऑपोजिट साइड का दूसरा बस स्टॉप लेके वो लोग वहां से जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल न्यूसेंस वाला एरिया बन गया बैंक छत्रपति स्क्वायर का जो मेट्रो स्टेशन है. बस इंटीजी का प्रकार हो जाए सर. बाकी तो हम लोग जागृत लोग हैं. एज अ प्रिंसिपल बीइंग अ लेडी प्रिंसिपल आई टेक अटर प्रिकॉशंस एंड आई विल अश्योर दैट आई विल अबाइड बाय ऑल द रूल्स इफ आई गेट अ लिटिल सपोर्ट फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच फॉर द एफर्ट्स.
के तौर पे जानते हैं। चौधरी सर से मेरी बहुत बार फोन पर बात होती है। सर, आजकल विद्यार्थी जो है उनको अपने आसपास का जो वातावरण होता है बहुत प्रभावित करता है, खासकर टीचर्स का बिहेवियर हो गया, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट का हो गया, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो गया। बच्चे उनसे सीखते हैं। नागरिक शास्त्र विषय के तहत विद्यार्थियों को नागरिकों की क्या भूमिका है, प्रशासन की क्या भूमिका है, ये पढ़ाते हैं। मैं एनिमल एक्टिविस्ट हूँ तो मैं बच्चों को जानवरों के बारे में भी बताती हूँ। बच्चे आसपास में जो देखते हैं उसके बारे में मुझसे प्रश्न पूछते हैं। सर, मेरा स्कूल लकड़गंज थाने के आसपास ही है और लकड़गंज में जो घास। इस समय बोलते हुए पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र सिंगल ने सभी से आह्वान किया कि आज शहर के युवा एवं छात्रों को जागरूकता करने की आवश्यकता है। शहर में बढ़ते अपराधों का प्रमाण देकर नकारात्मकता न फैलाते हुए उन अपराधों के विषय में जागरूक रहे और यह परिस्थिति बदलेगी जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल, पालक और स्वयं युवाओं की भागीदारी भी आवश्यक है। साथ ही उन्होंने शहर पुलिस की ओर से सुरक्षा का वादा भी किया। मुद्दा ऐसा है कि अपने मुलांना एक सक्षम एक पीढ़ी एक तैयार करायची आहे आणि त्याच्यासाठी आपण सगळ्यांना काम करावा लागेल। आपला जे नागपूर शहर आहे त्याच्याबद्दल भरपूर नेगेटिविटीज आहे, ड्रग्स भरपूर आहे इथे, क्राइम इथे जास्त आहे, असं आहे तसं आहे, हे सगळे मुद्द्यांवर आपण काम करतोय। मी एकच सांगू शकतोय की आम्ही माझे अधिकारी बाकी इतर ॲडमिनिस्ट्रेशनचे सगळे अधिकारी हे सगळे प्रामाणिकपणे काम करत आहे। आपण परिस्थिती बदलणार, परंतु यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट युनिट, ऑल द टीचर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टंट युनिट ऑफ द सोसाइटी। आज भी मेरे जो टीचर्स थे, मैं दिल्ली से हूँ, आज भी उन टीचर्स से मैं टच में हूँ और उनको एक अभिमान होता है कि हमारा एक बच्चा जिसको हमने पढ़ाया था थर्ड से लेकर टेंथ तक या ट्वेल्थ तक, आज हमारा बच्चा नागपुर में पुलिस कमिश्नर है। ये कॉन्फिडेंस, ये रिलेशन अपने बच्चों के साथ आप जरूर बना के रखिए। ये रिलेशन बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये जो है पूरी उम्र याद रहते हैं। तो इन चीज़ों पे आप जरूर काम कीजिए। नेगेटिविटी मत देखिए, बच्चे को उसको पॉजिटिविटी दिखाइए, जो अच्छी चीज़ वो कर रहा है उसके बारे में उसको बताइए और उसको लगना चाहिए कि हाँ मुझे कोई सुनने वाला है। जो बच्चा अगर चुप है आपकी क्लास में, उससे पूछिए कि बेटा तू चुप क्यों है। हो सकता है उसके घर में उसके माँ बाप का कुछ झगड़ा चल रहा हो सकता है उसको किसी ने कुछ बोला हो सकता है उससे और कुछ घटना हुई हो। तो जब तक हम नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो तब तक वो बच्चा एक घुटता रहेगा और उसका वो दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है या गलत आदतों में पड़ सकता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। आप ट्रैफिक के बारे में भी बोल रहे थे कि ट्रैफिक में हुआ क्या, ट्रैफिक में कि वन स्टेट वन ई चलाना है। अभी सब चीज़ें जो ट्रैप होती हैं कैमराज के अंदर, उसके आधार पे केसेस होते हैं। उसके अलावा भी हम जो है अभी अलग अलग एक्टिविटीज़ हम लोगों की चल रही है, जैसे कि नो हॉन्किंग है। हम अननेसेसरी हॉन्किंग करते हैं। ग्रीन लाइट हो गई तब तो हॉन्किंग जरूर करनी है ताकि अगले को पता चले कि ग्रीन लाइट हो गया और तुला निघाई से अपन हॉन्क हॉर्न वाजवतो कशाला अपन वाजवतो। या शहरामध्ये थोडीशी शांतता आणायची आहे त्याच्याबद्दल जरूर विचार करा। आणि बाकीचे जे ज्यावेळेस तुमच्याकडे पालक मुलांना सोडायला येतात त्याचे डोक्यावर हेल्मेट आहेत की नाही ते तुम्ही विचारण्याची सुरुवात करा। आणि आपल्या मुलांना असं तयार करा की ते विचारतील की आई तू आज हेल्मेट घातलेलं नाही आहे, मी तुझ्यासोबत जाणार नाही। इस समय मौजूदों को संबोधित करते हुए मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी ने इस अभियान की सराहना की, साथ ही साथ स्कूल सुरक्षा के बुलेट पॉइंट बताते हुए कहा कि जागरूकता के साथ ही हमें निर्माण के विषय में भी अपग्रेड होना पड़ेगा जिसमें स्कूल परिसर में सीसीटीवी कैमरे की उपलब्धता सुचारू रूप से होना आवश्यक है। दूसरा, स्कूल बस के संदर्भ में चेकअप एवं स्कूल के बाहर सुरक्षा के संबंध में किस भी रूप से स्कूल प्रीमाइसेस में नशीले पदार्थों की बिक्री न हो इसके मद्देनजर मनपा एवं शहर पुलिस द्वारा स्पेशल ड्राइव करने की घोषणा भी मनपा आयुक्त ने की। आज नागपुर महानगर पालिका पुलिस आयुक्त कार्यालय में नागपुर का और बाकी सभी डिपार्टमेंट्स का एक हमारी सबसे रेगुलर मीटिंग हुई। उसमें हमारे सारे इम्पोर्टेंट इशू है कि स्कूल के 100 मीटर के अंदर बिजली कुछ बिजली में कटती होती है या फिर सुबह को पावर स्विच जाता है उसको पावर स्विच जाता है तो उसपे एक संयुक्त पावर जो है जैसे हमारे स्कूल सर्विस जैसे महानगर पालिका का
एनबीसीएन न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।